हेलो फ्रेंड्स, मीना कुक्स में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पिज़्ज़ा पूरी। पिज़्ज़ा पूरी ये एक स्ट्रीट फूड रेसिपी है, जिसके लिए हम ले रहे हैं ये तीनों कलर के हमने बेल पेपर लिए हैं। 8-10 हम पानी पूरी की पूरियाँ लेंगे। 1/2 कप हमने प्रोसेस चीज़ लिया है। 1 हम प्याज लेंगे मीडियम साइज़ का। ये 1 कप हमने स्वीट कॉर्न बॉईल करके लिया है। ये 1 टेबल स्पून अमूल बटर है। 1/2 टीस्पून हम नमक लेंगे, नमक हमें स्वाद अनुसार लगेगा। ये पिज़्ज़ा का सॉस लगेगा। ये मिक्स हर्ब्स है और ये चिली फ्लेक्स है। आइए पिज़्ज़ा पूरी बनाना शुरू करते हैं। पहले हम पिज़्ज़ा पूरी का स्टफिंग बनाएंगे। मैंने गैस पे कढ़ाई रखी है, गैस ऑन करके लिया है। ये 1 टेबल स्पून बटर हम इसमें डालेंगे। बटर मेल्ट होने के बाद इसमें हम प्याज डालेंगे। प्याज को हम 1-2 मिनट के लिए पका लेंगे। पहले अब इसमें हम ये रेड, येलो और ग्रीन बेल पेपर डालेंगे। इसके साथ ही ये हम बॉईल किया हुआ स्वीट कॉर्न डालेंगे। इसमें हम थोड़ा सा 1/2 टीस्पून नमक डालेंगे। सभी चीजों को हम सिर्फ 2 मिनट के लिए स्टर फ्राई करके लेंगे। इसका क्रंच हमें चाहिए, इसलिए ज्यादा नहीं पकाएंगे उसे। इसमें मैं अभी पिज़्ज़ा सॉस डालती हूँ। ये मैंने 2 टीस्पून पिज़्ज़ा सॉस डाला है। गैस का फ्लेम हम ऑफ कर लेंगे और उसमें थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डालेंगे। थोड़ा सा मिक्स हर्ब डालेंगे। सभी चीजें अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और स्टफिंग को थोड़ा ठंडा होने देंगे। ये हमारा मिक्सचर अभी ठंडा हो चुका है। इसमें हम ये प्रोसेस चीज ऐड करेंगे और इसे थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। आइए फ्रेंड्स, ये हमारा स्टफिंग बन के तैयार हो चुका है। अब हम इसे पूरी में डाल लेते हैं। तो एक एक करके हम पूरी में इसे भरेंगे और एकदम पूरा भरेंगे उसको। ये पूरियां हमने स्टफ करके ली है। अब हम ये चीज़ के ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। अब हम इसके ऊपर ये मिक्स हर्ब्स स्प्रिंकल करेंगे।
और थोड़ा सा चिली फ्लेक्स भी स्प्रिंकल करेंगे। आइए फ्रेंड्स, ये हमारा पिज्जा पूरी बनके तैयार हो चुका है। इसे हमने आधे मिनट के लिए माइक्रोवेव में बेक करके लिया। अगर मेरी ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।